हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक गन पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टेक अपडेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या टेक अपडेट्स निकल के आई है। और मैं आपको टेक अपडेट्स बताना शुरू करूँ उससे पहले, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। पहली अपडेट निकल के आई है वो है रियलमी के बारे में। जी हाँ, रियलमी की जो वॉच है वो लॉन्च के थोड़े दिनों पहले उसका एक डिज़ाइन का जो लुक है वो लीक हुआ है और साथ ही में उसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी लीक होकर सामने आए हैं, जिसके अंदर 14 अलग अलग स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे कि योगा ले लो, स्विमिंग ले लो, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट है, वो सारे स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। साथ ही में 1.4 इंच का उसका कलर टच स्क्रीन दिया गया हुआ है, रियल हार्ट रेट जो काउंटर है वो दिया गया हुआ है। और जो सबसे एक अलग बात लगी मुझे कि SpO2 मॉनिटर का फीचर दिया गया हुआ है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम का अंदर जो ऑक्सीजन कितना है वो भी काउंट करके हमें बता सकता है। कल क्या ये वो है वन प्लस के बारे में। जी हाँ, वन प्लस 8 प्रो का जो एक्सरे फीचर था, जो काफ़ी सारे लोग इसके बारे में रिव्यू दे रहे थे कि ये गलत है, ऐसा नहीं देना चाहिए था, कि लोग इसका मिसयूज़ काफ़ी कर सकते हैं, और जो सही भी है। तो उसको लेके अब एक वन प्लस ने एक न्यूज़ अपडेट दी है कि वन प्लस 8 प्रो के अंदर बहुत जल्द ही एक अपडेट आएगा जिसकी वजह से वो जो फ़िल्टर है, वो एक्सरे फिल्टर, वो बंद हो जाएगा और थोड़े वक्त के लिए सिर्फ 3 ही कैमरा चलेंगे वन प्लस 8 प्रो के अंदर। और बहुत जल्दी वो लोग उसे फिक्स करने के बाद जो आप फोर्थ कैमरा है वो भी यूज़ कर पाओगे, बट हालांकि उसके अंदर वो एक्सरे फीचर आपको नहीं मिलेगा। जो अपडेट निकल के आई है वो है आईक्यू Z1 के बारे में। जी हाँ, 1000 डायमेंसिटी प्लस के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन जो है आईक्यू Z1, जो आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर लगा हुआ है 1000 प्लस चिपसेट तो है ही, साथ ही में 6.57 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया हुआ है, विथ पंच होल डिस्प्ले, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ, 4500 mAh बैटरी, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग भी दिया गया हुआ है। और इसकी जो प्राइस रखी गई है ना, ज़बरदस्त रखी गई है, जिसके अंदर 3 वेरिएंट रखे हुए हैं इन लोगों ने। एक है 6 GB 128 GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 23,500, 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस है 27,000, और लास्ट जो स्टोरेज है वो है 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज के साथ, जिसकी प्राइस रखी गई है 30,000 रुपीज़। बहुत ज़बरदस्त प्राइस में, और ये हम कह सकते हैं कि बजट गेमिंग स्मार्टफोन है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने वाला है इसका। और साथ ही में ये जो इंडिया में कब लॉन्च होगा इसका भी कोई न्यूज़ नहीं है, बट थोड़े ही वक्त में इसका न्यूज़ भी आ जाएगा। जो अपडेट निकल के आ रही है वो है आईक्यू के बारे में। जी हाँ, आईक्यू Z1 के साथ साथ आईक्यू ने, हालांकि आईक्यू Z1 गेमिंग फ़ोन है, तो साथ ही में उन लोगों ने एक गेमिंग लाइटनिंग गेमिंग पैड लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस रखी गई है अराउंड 1700 रुपये के आसपास इंडिया के हिसाब से होते हैं। और साथ ही में एक वायरलेस हेडफोन स्पोर्ट हेडफोन्स उन्होंने लॉन्च किए हैं, जिसकी प्राइस रखी गई है अराउंड कुछ 2800 या 2900 के आसपास आने वाली है। हालांकि जो गेमिंग पैड है वो बहुत यूज़फुल लग रहा है और अच्छी क्वालिटी का भी लग रहा है, जो लोग पबजी खेलते हैं या फिर फ्री फायर खेलते हैं, जो काफ़ी यूज़फुल मुझे लगता है कि ये एसेसरी उन लोगों को काम में आने वाली है। निकल के आ रही है वो है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, iOS 13.5, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके अंदर एक फीचर नया आने वाला है कि हम विथ मास्क भी फेस आईडी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, तो वो अब टेस्टिंग लेवल पे ऑलमोस्ट जा चुका है। और अगर शेड्यूल के हिसाब से अगर सब सही रहा तो बहुत जल्द हमको उसकी अपडेट मिल जाएगी। निकल के आई है वो है रियलमी एक्स सुपर जूम के बारे में। जी हाँ, हम थोड़े ही दिनों के बाद अब दूर है इसके लॉन्चिंग से, और इससे पहले ही इसकी डिज़ाइन निकल के सामने आई है, जिसमें देख सकते हैं हम कि ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले यानी कि ड्यूअल सेल्फी कैमरा दिया गया है, साथ ही में 30 वॉट फास्ट चार्जिंग रहने वाला है, और 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले इसका है, और साथ ही में इसका जो 6.5 इंच का डिस्प्ले है वो है फुल HD LCD डिस्प्ले दिया गया हुआ है। वो निकल के आई है वो है सोनी की तरफ से। जी हाँ, सोनी का PlayStation 5, अब सोनी ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि बहुत जल्द जून के फर्स्ट या जून 15 से पहले लॉन्च हो सकता है। वो है मोटोरोला एच प्लस के बारे में। जी हाँ, वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, उसका प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुका है, और जो प्राइस रखी गई है वो सेम टू सेम US डॉलर को कन्वर्ट करते हैं उतने हिसाब से ही है, 74,999 यानी ऑलमोस्ट 75,000 रखी गई है। हालांकि स्पेसिफिकेशन बुरे नहीं है, बट थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, और
आपको उसमें एक बेनिफिट मिल सकता है, अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको अगर उसमें EMI कन्वर्ट करवाते हो तो 7500 ऑफ आपको मिलेगा। क्या ये है? वो है अमेज़फिट के बारे में। जी हाँ, अमेज़फिट ने एक नई वॉच, स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जिसका नाम है एरिस, जिसके अंदर 40 स्पोर्ट मोड दिए गए हैं। जी हाँ, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड दिए गए हुए हैं। और कंपनी दावा करती है कि इसका जो बैटरी लाइफ है वो 14 डे तक चलने वाला है, अप टू 14 डेज़। और इसकी जो चाइना में प्राइस है वो 499 युआन रखी गई है, यानी कि इंडिया के हिसाब से कुछ 5300, 5400 के आसपास रहेगा। तो वो निकल के आई है, वो है अगेन शायोमी के सब ब्रांड रेडमी के बारे में। जी हाँ, रेडमी के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन कह लो या फिर हेडफोन कह लो, वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार एक रूमर आया है। तो देखते हैं कि अगर इंडिया के अंदर लॉन्च होता है तो कौन से प्राइस में आने वाला है। जो आखिरी अपडेट निकल के आई है वो है अगेन रेडमी के बारे में ही है। जी हाँ, रेडमी बहुत जल्द अपनी टीवी सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा है 26 मई को, जिसके अंदर 50 इंच और 55 इंच और 65 इंच के ये तीन टीवी लॉन्च होने वाले हैं। और ये इसी के साथ साथ रेडमी X10 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि रेडमी X10, X10 Pro और X10 Lite ऐसे कुछ तीन मॉडल हो गए। हालांकि अभी तक नाम कंफर्म नहीं हुआ है, बट 26 मई को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और मैं आपको 26 मई को बता भी दूंगा। और बस यही थी आज की सारी अपडेट्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।